दोस्तों, कोरोना का दुश्मन है ये वाइटामिन। स्वस्थ शरीर कौन नहीं पाना चाहता। एक हेल्दी शरीर के लिए लोग स्वस्थ आहार भी लेते हैं, हेल्दी चीज़ें खाते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन कर लेते हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचा देती है। अस्वस्थ आहार और कई ऐसे कारणों की वजह से शरीर में पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। इन्हीं में से एक वाइटामिन है दोस्तों, वाइटामिन डी। जी हाँ, वाइटामिन डी की कमी एक ऐसी कमी है जो हर दूसरे व्यक्ति को है। वाइटामिन डी की कमी से हमारी हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, दांतों और बालों में समस्याएं आने लगती है। वैसे तो वाइटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स सूर्य की किरणें हैं, लेकिन आजकल लोग ज़्यादातर समय घर में बिताते हैं और सूरज के सामने कम ही जाते हैं, तो यही वजह है कि सूरज से निकलने वाली रोशनी वाइटामिन डी नहीं ले पाते। लेकिन आप खाने वाली चीज़ों से भी वाइटामिन डी ले सकते हो। खासकर इस कोरोना काल में स्वस्थ शरीर हमारे लिए कितना जरूरी है, इस बात से इन दिनों हर कोई वाकिफ है। ऐसे में अपने हेल्थ के साथ लापरवाही करना आपको भविष्य में खतरे में डाल सकता है। शरीर को मजबूत रखने के लिए अपने दिनचर्या में आपको बहुत कुछ बदलना होगा। खुद को पूरी तरह स्वस्थ रखने के लिए स्वस्थ आहार से लेकर मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना जरूरी है। इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे खाने वाली चीज़ों के बारे में जो आपके शरीर की जरूरी पोषक तत्वों को पूरा करेगा और आप एक स्वस्थ शरीर बहुत ही आसानी से पा सकेंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन सी हैं वो चीज़ें। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो मछली का सेवन कीजिए, और मछलियों में आप सैल्मन और ट्यूना का सेवन कीजिए। इसमें कैल्शियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन डी जैसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे शरीर में पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करते हैं। शरीर में कई जरूरी तत्वों की कमी को पूरा करता है जो शरीर को मजबूत बनाने में हेल्प करता है। अपने डाइट में आप इसे शामिल कर सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो मशरूम खाइए। कई लोगों को मशरूम बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, कई लोगों को इससे एलर्जी होती है। वैसे मशरूम में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसमें विटामिन डी के अलावा मशरूम पोषक तत्वों का भंडार होता है दोस्तों। ये ताकत का खजाना है, इसे अपने डाइट में जरूर शामिल कीजिए। इसके अलावा दूध, दही, छाछ, पनीर जैसे डेयरी उत्पाद विटामिन डी का एक अच्छा बड़ा स्रोत है, और ये खाद्य पदार्थ आमतौर पर हमारे दैनिक आहार का एक बड़ा हिस्सा है। रोजाना एक गिलास दूध आपकी हड्डियों को मजबूत रखता है। दही में पाए जाने वाले गुड बैक्टीरियाज आपके शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है, तो आप जरूर डेयरी प्रोडक्ट को डाइट में शामिल कीजिए। इसके अलावा दोस्तों, अखरोट और मूंगफली को डाइट में शामिल कीजिए। ये विटामिन डी के शक्तिशाली स्रोत हैं। इसके अलावा इसमें काफ़ी पोषक तत्व पाए जाते हैं, कैल्शियम, विटामिन और प्रोटीन पाए जाते हैं जो आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी हैं। इसके अलावा ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जैसे कि जई, साबुत गेहूं और जौ जैसे अनाज विटामिन डी के स्रोत होते हैं जो हमारे शरीर को पोषण देते हैं और आप एक स्वस्थ शरीर पा सकते हैं। संतरे का जूस पीजिए। संतरे का जूस विटामिन डी और विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है। संतरे के जूस में काफ़ी तरह के औषधीय गुण पाए जाते हैं, तो नाश्ते में एक गिलास ताज़ा संतरे का रस शामिल करना आपकी सुबह को किक स्टार्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है। हमेशा ताज़ा संतरे का जूस ही लें, बाजार में मिलने वाले टेट्रा पैक वाले जूस बिल्कुल ना पिएं। आपको जूस पीना है तो फ्रेश जूस निकाल कर पिएं, तो ही आपके शरीर को फायदा करेगा। वैसे बहुत से लोग हैं जो बाजार से टेट्रा पैक वाला जूस लेकर आते हैं और ये सोचकर पीते हैं कि शरीर को फायदा करेगा। नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। अगर आपको जूस का फायदा लेना है तो फ्रेश जूस निकाल कर ही आपको पीना होगा, तो ही आपके शरीर को फायदा करेगा। तो आज हमने जाना दोस्तों विटामिन डी को किस तरह से पूरा करना है और विटामिन डी की कमी से हमारे शरीर में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो जानकारी कैसे लगे आप हमें कमेंट कर बताना, और वीडियो को जरूर जाते जाते लाइक करते जाना। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।